अपराधी के लिए खुद ही एक मैसेज हो भाई, वो तो समझ गए अब हम आ गए यहाँ पे। तो पूर्णिया जोन के आईजी पदभार ग्रहण करने के बाद शिवदीप लांडे आज कटिहार पहुंचे। उन्होंने कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार के साथ विशेष बैठक की और उन्होंने कटिहार सहित पूरे सीमांचल में अपराधियों को चेताया है। वहीं शिवदीप लांडे ने कहा कि सीमांचल में नशाखोरी बढ़ रहा है, जिसको लेकर शिवदीप लांडे कई फैसले ले सकते हैं। बता दें कि कटिहार पहुंचते ही शिवदीप लांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सभी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मिलकर बूके देकर उन्हें स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर में शिवदीप लांडे क्या कुछ कह रहे हैं। एक ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था, स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर्स देके, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊँगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80+, 85+ और 2020 में तो 90 हत्याएं हुई थी। तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण मैंने उससे पूछा, तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को सुना जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। लूट और डकैती जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है, जो मेरे लिए भी सबसे प्रायोरिटी रहती है, उसमें भी कंट्रोल है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रिमिनल्स थे, जैसा मैंने पूछा कि यहाँ पे अभी फिलहाल में कौन आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिमिनल है, तो जो लालू साहनी का जो नाम आ रहा था, जो स्पेशली ज्वेलरी केस में रहता है, वो साहिबगंज जेल में। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया था पहले, 4 दिन के लिए। तो एक मनियारी पे मैंने ऑपरेशन चलवाया था, तो उस बारे में मैंने स्पेशली पूछा कि मनियारी घाट का क्या हाल है करके। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि उस वक्त एक इनिशिएट हुआ था एक्शन, उसके बाद इसका ऑक्शन हुआ है और ये पर्सनली प्रेजेंट होकर उस ऑक्शन 8+ CR में, हाँ 8+ CR का उसका ऑक्शन का मनी था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो वो रैकेट चल रहा था 8 करोड़ का, तो मिनिमम उसका जो था मिनिमम 8 करोड़ का, तो उसमें एक सिस्टमेटिक करप्शन के तौर पे काम हो रहा था। मनियारी घाट का एक इशू था, बाद में जो एक हाईवे बना, हाईवे का क्राइम का एक इशू है, उस पर कंट्रोल करने के लिए जितेंद्र ने अपनी इनिशिएटिव ली है। और अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहते हैं। मेरे लिए तो दो ही प्रायोरिटी थी, एक तो मनियारी घाट का जो मैंने इनिशिएट किया था, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस का जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस यूनिट्स थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी जब आया था। तो उस बारे में भी एक रिव्यू हुआ है, तो उसमें डिटेल में बाद में बताऊँगा। अपराधी के लिए खुद ही एक मैसेज हो भाई, वो तो समझ गए अब हम आ गए यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये जो है ड्रग्स का जो शुरुआत होती है, ये डायरेक्टली अभी तो स्मैक के ऊपर जो है स्मैक्स ले रहे हैं। स्मैक जो है हीरोइन का एक सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ये होता है, जो पेपर वगैरह आता है उससे कंजम्पशन होता है। हर ड्रग की एक शुरुआत जो होती है वो स्मोकिंग से होती है, मैंने देखा है। तो आप इसको शुरुआत ही मत कीजिए, यानी आप शुरू में आप सिगरेट पीते हैं, उसके बाद सिगरेट के बाद वीड मीन्स गांजा शुरू कर देते हो वो सिगरेट के माध्यम से, गांजे के बाद आप चले जाते हो स्मैक पे। स्मैक में जाने के बाद होता है कि आपके ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है ड्रग्स, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, आपको लत लग जाती है, आपको चाहिए रहता है ड्रग्स, उसके लिए क्या करना है, तो चिंता ही करना होता है, क्राइम करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे मत जाइए, यानी स्मोकिंग और ये जो पहला स्टेज है उस पर मत जाइए। और अभिभावक का मैं फिर से बता रहा हूँ, समाज का और अभिभावक का बहुत बड़ा दायित्व है इसमें, क्योंकि ये इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम तो एनफोर्समेंट एजेंसी तो हमारा काम करेंगे, अभी देखते हैं इसका डायमेंशन कितना है। एडिक्शन के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का भी एक स्ट्रैटेजी होता है, उसमें देखेंगे, उसमें अभी काम करेंगे।